आज तारीख हो चुकी है 11 जनवरी। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर सभी आईपीएल टीमों को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है वो था आईपीएल 2024 के एडिशन की वेन्यू को लेकर। दरअसल लगातार ये सवाल थे कि इस साल भारत में यहाँ पर इलेक्शन होंगे और आईपीएल के दौरान अप्रैल में इलेक्शन होंगे, तो आईपीएल आखिर भारत के बाहर होगा या फिर भारत में आईपीएल होगा। तो कल बीसीसीआई ने जवाब दे दिया। बीसीसीआई ने कहा है कि भारत में ही हमें पूरा आईपीएल का एडिशन देखने को मिलेगा, कुछ यहाँ पर वेन्यूज में केवल बदलाव किया जाएगा, वेन्यूज में यहाँ पर चेंजेस होंगे, अदरवाइज हमें कल अपडेट आ चुका है कि भारत में ही यहाँ पर आईपीएल 2024 का कंप्लीट एडिशन देखने को मिलेगा। तो सभी फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहाँ पर स्टेडियम में जाकर अब वो फैंस मुकाबले देख पाएंगे। भारत में यहाँ पर कंप्लीट आईपीएल हमें देखने को मिलेगा। आप कमेंट करके बताइए आप बीसीसीआई के इस फैसले से खुश हो या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है आईपीएल 2024 के एडिशन के लिए कुछ बैकअप प्लेयर को लेकर। दरअसल 4 खिलाड़ियों का हैजो अपना यहाँ पर बैकअप प्लेयर के तौर पर नाम निकल कर आ रहा है। टीम इन खिलाड़ियों को फाइनलाइज कर रही है टीमों के लिए रिजर्व प्लेयर के तौर पर। ये यहाँ पर खिलाड़ी आईपीएल के दौरान यहाँ पर आईपीएल में उनके साथ रहेंगे और यहाँ पर हो सकता है रिप्लेसमेंट के तौर पर टीमों द्वारा ये खिलाड़ी अनाउंस भी किए जाए। इनमें नाम आता है फिल सोल्ट का, नाम आता है सरफराज खान, जोश हेजलवुड का और स्टीवन स्मिथ का। तो इन खिलाड़ियों को हैज अपना बैकअप और रिजर्व में टीमों ने शामिल कर लिया, जहां पर आईपीएल में मोस्ट लाइकली शायद ये रिप्लेसमेंट ही बनेंगे, रिप्लेसमेंट के तौर पर भी ये नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर किसी ना किसी टीमों में ये खिलाड़ी अब रिप्लेसमेंट के तौर पर भी नजर आएंगे। हैज अपना तो बैकअप के तौर पर इनको टीमों ने यहाँ पर चूज कर लिया। वैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको जल्दी अपडेट कर देंगे कौन सा खिलाड़ी कौन से टीम में यहाँ पर बैकअप और रिजर्व में, कौन सा प्लेयर आखिर आईपीएल के दौरान कौन सी टीम की जर्सी में नजर आएगा, सब कुछ हम टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है एमएस धोनी की तरफ से। दरअसल एमएस धोनी को लेकर सभी फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आईपीएल करीब आ चुका है तो एमएस धोनी ने अब तैयारी शुरू कर दी। हमने बताया था कि जनवरी में एमएस धोनी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और जनवरी में अब एमएस धोनी ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। आप अपनी स्क्रीन पर कंप्लीट फोटो और वीडियो देख पा रहे हैं। एमएस धोनी अब यहां पर इस प्रकार से आईपीएल की तैयारियां कर रहे हैं नेट्स में, अब ये घंटों बल्लेबाजी कर रहे हैं, घंटों पसीना बाहर है। तो अब जल्द ही शुरू होने वाला आईपीएल के लिए एमएस धोनी तो कमर कस चुके हैं। आप कमेंट करके बताएं आप एमएस धोनी को अपने आखिरी आईपीएल एडिशन में आखिर देखने के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है आईपीएल के पहले मुकाबले को लेकर। दरअसल आईपीएल भारत में होगा ये पूरी तरीके से कंफर्म है और आईपीएल 22 मार्च से शुरू होगा ये भी पूरी तरीके से तय। 22 मार्च को आईपीएल का पहला मुकाबला यहाँ पर चेन्नई के चेपॉक में खेला जाएगा, जो कि चेन्नई और आरसीबी के बीच हमें देखने को मिलेगा। तो चेन्नई वर्सेज आरसीबी के मुकाबले से इस आईपीएल एडिशन की शुरुआत होगी और यहाँ पर एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देते कि 22 मार्च से ये आईपीएल शुरू होगा, भारत में ही पूरा आईपीएल होगा। चेपॉक में आईपीएल का पहला मुकाबला होगा, चेन्नई के होम ग्राउंड में आईपीएल का पहला मुकाबला होगा, पिछले आईपीएल के विनर चेन्नई के होम ग्राउंड में पहला मुकाबला और फाइनल हमें देखने को मिलेगा। तो चेन्नई और आरसीबी के बीच ब्लॉकबस्टर मुकाबले के साथ आईपीएल की शुरुआत होगी और आईपीएल का जो भी फर्दर अपडेट रहेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम अपडेट कर देंगे। इसलिए आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर आप बस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अब हम बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती होती है भारत और अफगानिस्तान के यहाँ पर पहले T20 मुकाबले को लेकर। दरअसल आज शाम 7 बजे से हमें भारत और अफगानिस्तान के बीच पंजाब के मोहाली से यहाँ पर पहला T20 मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पर इस सीरीज में रोहित शर्मा विराट कोहली का कमबैक हुआ। हालांकि आज यहाँ पर विराट कोहली पर्सनल रीजन के चलते हुए, जहां पर इनकी बेटी का आज 3रा जन्मदिन है, तो इस वजह से पर्सनल रीजन के चलते आज के मुकाबले में विराट कोहली उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो बिना विराट कोहली के टीम इंडिया आज का मुकाबला खेलेगी, हालांकि दूसरे और तीसरे मुकाबले में ये उपलब्ध हो जाएंगे। तो बड़ी खुशखबरी है कि दूसरे तीसरे मुकाबले से हमें विराट कोहली भी खेलते हुए दिखेंगे। आप कमेंट करके बताइए आप आज के मुकाबले के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती होती है ईशान किशन और सुरेश अय्यर की तरफ से। दरअसल ईशान किशन और सुरेश अय्यर को जो यहाँ पर अपडेट है कि अफगानिस्तान सीरीज में इसीलिए नहीं लिया गया क्योंकि यहाँ पर बीसीसीआई को इनमें यहाँ पर डिसिप्लिन नजर नहीं आया, जहाँ पर बीसीसीआई का मानना है कि इन खिलाड़ियों ने डिसिप्लिन तोड़ा है, डिसिप्लिन में नहीं रहते, इस वजह से इनको हैज ऑफ नाउ टीम से बाहर कर दिया गया। हालांकि द्रविड़ ने शाम को कल ये क्लियर किया था कि इनको केवल यहाँ पर रेस्ट दिया गया, इनको ड्रॉप नहीं किया गया, बल्कि डिसिप्लिन ये फॉलो करते, इस प्रकार का द्रविड़ का स्टेटमेंट था। लेकिन बीसीसीआई के सोर्सेज ये बता रहे कि यहाँ पर इन खिलाड़ियों को डिसिप्लिन ना फॉलो करने की वजह से टीम से बाहर किया गया। इवन बीसीसीआई की तरफ से तो ये भी अपडेट है कि जहाँ पर ईशान किशन को बीसीसीआई टीम में रखा गया, लेकिन ईशान किशन ने यहाँ
पर टीम से यहाँ पर ये बताया था कि मेंटली स्टेबल नहीं, इस वजह से टीम से दूर होकर ये दुबई जाकर प्राइवेट इवेंट में पार्टियाँ कर रहे थे और भारत में इवेंट अटेंड कर रहे थे। तो इस वजह से यहाँ पर हिजुपनाव जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग इस वजह से इनको सेलेक्ट नहीं किया गया। हालांकि IPL पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, IPL तो ये खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन हिजुपनाव भारतीय टीम में इनके लिए यहाँ पर बुरी खबर है। भारतीय टीम में अब दोबारा कभी ये सेलेक्ट होंगे हिजुपनाव, कोई भी अपडेट नहीं है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग अगर BCCI ने ये सही किया या फिर नहीं। अब बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है दिनेश कार्तिक की तरफ से। दरअसल दिनेश कार्तिक इंग्लैंड की यहाँ पर इंग्लैंड लाइन के यहाँ पर 11 दिन के लिए कोच बन चुके हैं। इंग्लैंड की इंग्लैंड लाइन जो इंडिया के खिलाफ अब भारत में प्रैक्टिस मुकाबले खेलेगी, वहाँ पर इंग्लैंड के कोच यहाँ पर दिनेश कार्तिक बन चुके। खबर ये कि बिना BCCI की परमिशन लिए ये यहाँ पर इंग्लैंड के यहाँ पर कोच बने और इंटरनेशनल क्रिकेट से ये रिटायर नहीं हुए, इस वजह से यहाँ पर ये किसी भी टीम के कोच नहीं बन सकते। तो इस वजह से शायद इन पर एक्शन हो सकता है, इनको यहाँ पर इंडियन क्रिकेट से और IPL से बैन भी किया जा सकता है। तो बुरी खबर यहाँ पर दिनेश कार्तिक के लिए भी हो सकती है। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की तरह ये भी बड़ी समस्या में यहाँ पर फंस सकते हैं। अब बात करते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है कोलकाता की तरफ से। दरअसल कोलकाता की टीम ADKR जो कि अब जल्दी IL T20 खेलेगी, कल इमाद वसीम को इन्होंने साइन किया और लोग यहाँ पर पहले ये फेक न्यूज़ मान रहे थे, फेक खबर मान रहे थे। यहाँ पर इन्होंने कल सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करके भी यहाँ पर साबित कर दिया। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो इमाद वसीम जो कि यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाड़ी कोलकाता की ADKR की तरफ से अब हमें खेलते हुए देखेंगे। तो शायद पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी यहाँ पर ये बने जो कि लंबे समय बाद कोलकाता जैसी फ्रेंचाइजी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोलकाता की ADKR के लिए ये हमें खेलते हुए देखेंगे। वैसे आप कमेंट करके बताइए क्या IPL में भी आखिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अनुमति मिलनी चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।